ईरान में जब ज्यारत पे जाते हैं, जिसमें से एक जगह है सवाग जेल, जो इनकलाब से पहले एक प्रिजन था, उसको म्यूजियम बना दिया गया है। उस म्यूजियम में स्टोरीज हैं कि क्या हुआ था, किस किस्म से टॉर्चर किए जाते थे। उसमें एक पिंजरा है, उस पिंजरे में ना आप खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं, उकड़ू आपको ऐसे रुकना होता है। नीचे पतरा होता है और उसके नीचे आग लगा देते। ये मैं एक टॉर्चर बता रहा हूँ, वहाँ पे 108 किस्म के टॉर्चर्स हैं। उसमें से एक टॉर्चर की किस्म ये है कि जब वो बाहर जाली पे हाथ रखते थे तो बाहर दो जल्लाद तार लिए खड़े होते थे जिसमें करंट होता था, और जब वो पकड़ना चाहते थे तो वहां से बाहर से करंट लगाते थे। ये नाखून को गर्म करके इसे खींच लेते थे। इस जेल में आयतुल्ला बहिश्ती और आयतुल्ला खामेनाई रहे 8 महीना। इस जेल में आयतुल्ला खामेनाई रहे। ये मिंबर किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, हुसैन इब्ने अली की मिल्कियत। वो जो मिंबर पर आके रहबर के खिलाफ बोल रहा है, पहले ये सवाल करे कि तुमने दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है। तुमने तो दीन को तिजारत बना दी है। ओपनली कहते हो मिंबर से कि मैं यहां बैठता हूं, कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूं। किसके खिलाफ बोल रहे हो? आयतुल्ला खामेनाई के खिलाफ। शर्म करो। इस जेल में कुर्बानी दी है, 2 बार जान पे हमला हुआ है, एक हाथ से मजरूह है। क्या किया आपने? 10 साल जिला बदर रहे हैं आयतुल्ला खामेनाई, नायब इमाम है। अजदाने गिरामी कुछ रेड लाइंस हैं, और वो रेड लाइन ये है कि इमाम और नायब इमाम पर जब हमला हो तो खामोश नहीं रहना है। तमाम मोमिनीन हमारे भाई है, मोहतरम है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे सामने दोबारा मुस्लिम पर हमला हो और हम कूफियों की तरह खामोश बैठे रहें।